तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में क्या आपको पता ही है, हम तीन चैप्टर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिक्स में। कौन कौन सा? एक तो ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा, सेकंड चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और थर्ड हम इवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं जैसे कहां से, कि हमारा फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा गया है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं। तो एज यू ऑल नो, द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज जॉर्ज जॉन मेंडल। मेंडल को कहा है, इसका बर्थ 1822 से, और इसकी डेथ कहां हुई थी, जो इसका जो बर्थ था वो 22 जुलाई 1822 में हुआ था, और इसका डेथ जो हुई थी ये क्या 1884 में हुई थी इसकी डेथ। ठीक है, ये क्या था, एक मैथमेटिशियन था, मैथमेटिशियन था, और ये प्रीस्ट था, चर्च के अंदर पादरी था, ये इसके ऊपर चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसने जो जेनेटिक्स की शुरुआत की, अपने काम की शुरुआत की, वो कहां से की थी, एक गार्डन पी से स्टार्ट की थी। गार्डन पी से इसने अपना काम स्टार्ट किया था, इसने रिसर्च का, और गार्डन पी जिसको हम क्या, बोटनिकल नेम क्या है, पाइसम, पाइसम स्टाइलम, ये बोटनिकल नेम है गार्डन पी का। इसने 6 साल इसके ऊपर काम किया था, 6 साल इसने इसके ऊपर काम किया था। उसके बाद इसका वर्क जो है वो पब्लिश नहीं हो पाया था, हम रीजन डिस्कस करेंगे क्यों नहीं हो पाया था। इसकी डेथ के बाद इसका वर्क, इसकी डेथ के 16 इयर्स बाद रीडिस्कवर किया गया, मतलब इसके काम को अच्छे से पब्लिश किया गया। इसने जो भी काम किया उसके ऊपर 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दोबारा काम किया, जिसमें से एक ह्यूगो डे वेरीज थे, इन्होंने इनके काम को पब्लिश किया, इनके साथ 2 साइंटिस्ट और थे जिन्होंने इनके काम को पब्लिश किया। अब हम देखते हैं इसके रीजन कि इसका काम इंटरनेशनल लेवल पे ये इतना फेमस क्यों नहीं हो पाए थे। फर्स्ट, जो फर्स्ट रीजन है, इसने क्या किया था, जो वर्क था इसका, जो वर्क था वो पब्लिश नहीं हो पाया था प्रॉपरली। मींस कि जो वर्क है इसका इंटरनेशनल लेवल के जो जर्नल थे उनमें पब्लिश नहीं हो पाया था, केवल इसने लोकल जर्नल के अंदर अपना वर्क पब्लिश किया, तो ये लोगों के बीच इतना फेमस नहीं हो पाया। सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड थिंग की, कि जो सेकंड रीजन है इसका वो क्या है, जो बायोलॉजिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया इसके वर्क को। क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, एक तो ये मैथमेटिशियन था, वो सोचते थे कि मैथमेटिशियन को क्या आएगा बायोलॉजी के बारे में, और सेकंड ये क्या था, प्रीस्ट था, पादरी था, इसलिए इसका वर्क क्या था, फेमस नहीं हो पाया। दूसरा एक और भी रीजन था इसी के अंदर, उस टाइम डार्विन जो थे, चार्ल्स डार्विन, उस टाइम डार्विन की जो थ्योरी थी ना वो बहुत पॉपुलर हो रही थी, वो लोगों में ज्यादा फेमस हो रही थी, इसलिए ज्यादातर लोगों का ध्यान किसकी तरफ था, जो डार्विन का वर्क था उसकी तरफ था, इसलिए ये ज्यादा फेमस नहीं हो पाए। ठीक है, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, आपको याद होगा किसका कंसेप्ट दिया था इन्होंने, जो थर्ड रीजन की हम बात कर रहे हैं, फैक्टर, फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो फैक्टर को आज हम क्या बोलते हैं, जीन।
और ये फैक्टर क्या है, डिस्क्रीट यूनिट है। डिस्क्रीट यूनिट है ठीक है। तो ये इसके बारे में जैसे लोगों ने सिर्फ इमेजिनरी बेसिस के ऊपर कोई चीज थी उस टाइम, हम इतना माइक्रोस्कोप वगैरह या डीएनए का स्ट्रक्चर ये सब एक्सप्लेन करना या फिर ये सब एक इमेजिनरी थिंग थी, तो उस टाइम लोगों ने इस चीज को, डिस्क्रीट फैक्टर को या जो हम फैक्टर बता रहे हैं इसको एक्सेप्ट नहीं किया इमेजिनरी वे से ठीक है। ये जो तीन रीजन थे ये इसके किसके लिए थे, जो वर्क पब्लिश नहीं हुआ, ये पॉपुलर नहीं हुए थे उसके लिए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी सक्सेस कैसे हुई, ये इन्होंने कामयाबी अपने एक्सपेरिमेंट में कैसे हासिल की और क्या वर्क किया था इन्होंने। सक्सेस के रीजन देखते हैं, पहला इन्होंने क्या लिया था, फर्स्ट कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर लिए थे। कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर का मतलब कि जो फैक्टर थे वो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट थे, मतलब एक टॉल होगा तो दूसरा क्या हो सकता है, ड्वार्फ होगा ठीक है, तो एक कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर हो गए, बिल्कुल अलग अलग विजिबल थे जो फैक्टर इन्होंने लिए थे कि एक दूसरे से इजिली डिफ्रेंशिएट किए जा सके ठीक है। दूसरा इन्होंने जो क्या लिया था, लार्ज साइज लिया था, लार्ज साइज लिया था कि पॉपुलेशन जो ले रहे थे जिस पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे सीड्स के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर पाइसम स्टाइवम के ऊपर, उन्होंने इनका लार्ज साइज लिया था। थर्ड जो इनका था, सबसे बेस्ट जो था, करेक्ट डेटा एनालिसिस, करेक्ट डेटा एनालिसिस। तो इन्होंने, ये मैथमेटिशियन तो थे, इन्होंने मैथ के फॉर्मूले यूज किए इन चीजों को कैलकुलेट करने के लिए ठीक है। फोर्थ जो सबसे इसकी सक्सेस का जो पॉइंट था, सबसे इनके ज्यादा सक्सेस का पॉइंट था कि यहां पे कोई भी लिंकेज का केस नहीं आया, लिंकेज का केस नहीं आया यहां पे कोई भी, यानी कि लिंकेज का यहां पे कोई मतलब ही नहीं था। तो अगर लिंकेज होता तो ये सारे उन चीजों में पजल हो जाते कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिंकेज कभी भी शो नहीं हुई, तो इसलिए ये क्या हुए, सक्सेस हो गए, अपने एक्सपेरिमेंट करने में सक्सेस हो गए ठीक है। इसके पॉपुलर होने के रीजन क्या था वो और देखते हैं। थर्ड वन हम देखते हैं पॉपुलर होने के इसके रीजन क्या थे। ये तो सक्सेस के रीजन थे, और जो कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर लिए थे, एक बार मैं बता दूं इन्होंने कितने कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर लिए थे, 7 कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर लिए थे, जिनकी अब हम लास्ट में बात करेंगे, इसी लेक्चर के लास्ट में हम बात करेंगे इन 7 कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर की कौन कौन से फैक्टर लिए थे, मैं आपको बताऊंगा भी, नोट भी करवाऊंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पॉपुलर कैसे हुए थे ये ठीक है, उसकी बात करते हैं एक बार। तो फर्स्ट जो इन्होंने जो सीड लिए थे ना, प्लांट के जो सीड लिए थे ठीक है, वो क्या थे, ये जैसे हमने बताया कि पाइसम स्टाइवम लिया था, पाइसम जो स्टाइवम लिया था उसमें क्या था कि उसका लाइफ स्पैन जो था वो शॉर्ट था, लाइफ स्पैन शॉर्ट था, यानी कि अगर हम बात करें किसकी कि ये 4 से 5 वीक में एक प्रोजनी हमें दे सकता है, यानी कि 4 से 5 वीक में ये नेक्स्ट जनरेशन हमें दे सकता है। तो एक सक्सेस का रीजन ये था। दूसरा रीजन हम बात करते हैं तो क्या है, जो पी प्लांट है वो क्या है,
सेल्फ एज वेल एज क्रॉस पोलिनेटेड है, या हम बात बोल सकते हैं कि वो क्या शो करता है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन शो करता है, ठीक है। थर्ड है कि उसके अंदर क्या थे, कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर थे। कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर उसके अंदर क्या थे, कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट अगर फैक्टर की बात करते हैं तो सीड जो थे, सीड वो डॉर्मेंसी नहीं शो करते थे। जो सीड थे वो डॉर्मेंसी शो नहीं करते थे। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास अभी सीड आए हैं, उनको थोड़े टाइम बाद हम क्या करें, जर्मिनेट करवाना चाहें तो वो जर्मिनेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट सबसे लास्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा सक्सेस का रीजन था इसका, जो पॉपुलेशन थी या जो नंबर था सीड का, वो क्या था, इसके पास लार्ज था। जो लार्ज नंबर ऑफ सीड्स थे इसके पास, जो मतलब जब ये प्रोजनी आते इसके पास तो लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आते थे इसके पास, ठीक है। तो ये रीजंस थे इसके सक्सेस होने के। अब हम किसकी बात करते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स की बात करते हैं। कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स लिए थे इन्होंने, मैं बात करूंगा। पहले हम यहां पे लिखेंगे कैरेक्टर सबसे पहले, उसके बाद डोमिनेंट कौन सा होगा और रिसेसिव कौन सा होगा, हम यहां पे लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट की हाइट की। हाइट तो आपको पता है टॉल, और यहां पे ड्वार्फ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लावर कलर की। फ्लावर कलर की बात करते हैं तो फ्लावर कलर डोमिनेंट कौन सा होगा, पर्पल, ठीक है। और रिसेसिव कौन सा होगा, व्हाइट। फिर फ्लावर पोजीशन की बात करते हैं, हम फ्लावर पोजीशन की बात करते हैं, यहां पे क्या होगा, एक्सियल, और यहां पे क्या होगा, टर्मिनल, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं पोड शेप की। पोड शेप की बात करते हैं, पोड शेप यहां पे क्या होगी, इनफ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। कॉन्स्ट्रिक्टेड इनफ्लेटेड डोमिनेंट होगी और कॉन्स्ट्रक्टेड होगी रिसेसिव। नेक्स्ट हम पोड कलर की बात करते हैं, पोड कलर की बात करते हैं, पोड कलर यहां पे जो डोमिनेंट होगा वो क्या होगा, ग्रीन, और रिसेसिव होगा येलो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीड शेप की। सीड शेप की बात करते हैं तो सीड शेप में कैसा होगा, यहां पे जो सीड शेप होगी वो राउंड क्या होगी, डोमिनेंट, और रिंकल क्या होगी, रिसेसिव होगी। सीड कलर की बात करते हैं, सीड कलर की बात करते हैं तो सीड कलर येलो क्या होगा, डोमिनेंट, और ग्रीन क्या होगा, रिसेसिव, ठीक है। तो ये रीजन, ये जो उसने कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर लिए थे, वो ये कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर हैं। कल
जो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वो इससे आगे की बात करेंगे, कौन कौन से कैसे कैसे उसने एक्सपेरिमेंट किए, और हम आगे क्रॉस भी करवा के देखेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, और बुनेट्स के डायग्राम्स देखेंगे। तो कल नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं।